नवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें माँ भगवती की आराधना कर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उपासना की जाती है। इसी श्रृंखला में राजपूत कर्णी सेना द्वारा भजन संध्या एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन किला मैदान रोड स्थित माँ कालका मंदिर पर हिंदू धर्म के राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना दहेज विरोधी इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर रविंद्र सिंह भदौरिया द्वारा आयोजित किया गया। आयोजन में भजन संध्या एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें 3 से 4 हजार लोगों ने भोजन प्रसादी का आनंद लिया, जिसमें मुख्य रूप से अंकित भोंडवे, मनमीत सिंधु शामिल रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुरेश सिंह सोन, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रंधीवे, आईडीए उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला, धीरज ठाकुर, मान सिंह राजावत सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान सभी अतिथियों ने मां कालका के दर्शन किए और लाभ लिया एवं आशीर्वाद प्राप्त कर आयोजन समिति के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इस दरबार में, माई के दरबार में हम काफ़ी समय से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। छोटे नवरात्रे, बड़े नवरात्रे, गुड़ी पड़वा, सभी में हम लोग ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। समथिंग 5-7 साल से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना दहेज विरोधी इकाई से प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह भदौरिया, और इस जो मंच पर हम लोग प्रोग्राम करा रहे हैं, ये प्रोग्राम माई के आदेश से उनके संरक्षण में और जन समिति में हम लोग मतलब काफ़ी समय से कराते आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है। बस मैं इससे यही उद्देश्य देना चाहूँगा कि आज जो समाज में जो भी सारी चीज़ें हो रही है, घटित हो रही है, उन सब चीज़ों को सुधारा जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि हर हिंदू मिलके हर गुड़ी पड़वा, हर नवरात्रि को इसी धूमधाम से मनाए। और सभी हिंदुओं को मेरा उद्देश्य है कि हर महिला और हर सारी जगहों पे खूब धूमधाम से आयोजन रखा जाए। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना दहेज विरोधी इकाई के हमारे भदौरिया जी और सभी मित्र मंडल और दिग्विजय सिंह जी, रमामान सिंह जी और भाई साहब सभी पधारे, और ये भजन संध्या ही हमारी कुल में जो माता जी हैं, माँ काली माँ के यहाँ पे विशाल भंडारा भी रखा गया है। और ये मुझे गर्व भी है कि ऐसे प्रोग्राम में मुझे मुख्य अतिथि और भाई साहब को मुख्य अतिथि रखा है, और ऐसे प्रोग्राम में मुझे हमेशा बुलाएंगे और मुझे, मैं हमेशा उनके तहे दिल से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मैं आता रहूँगा हमेशा। काफ़ी सालों से चल रहा है ये, मैं तो 3-4 साल से जानता हूँ, बाकी भाई साहब हमारे ये करते रहते हैं। प्रोग्राम में भी 9 तारीख को फिर से एक भव्य भजन संध्या रखी, वहाँ भी विशाल भंडारा है, और ये ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि हमारे हिंदुत्व और हिंदुत्व की जो परंपरा है ये हमारे हमेशा आगे बढ़ते रहे। और ऐसे युवा जवानों ने जो ऐसा संगठन को मजबूत करके और ऐसे माता रानी के यहाँ भव्य भंडारा रखा है, ये गर्व की बात है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे सभी जितने भी हिंदुत्व के युवा सेना है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ।